लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मैग्नीट्यूड की तीव्रता। सद्दाम मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने सबूतों की तलाश में बनाई 14 टीमें। साकेत कोर्ट ने सद्दाम वाकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड 4 दिन की बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो में आज 12:30 से 1:30 तक ग्रे लाइन रूट पर नहीं चलेंगी ट्रेनें। मसाज कांड पर कांग्रेस ने भी आप पर साधा निशाना, अलका लांबा बोली डूब मरो। आप पर बीजेपी का बड़ा हमला, सत्येन जैन पर रेप के आरोपी से मसाज कराने का लगाया आरोप। बीएसएफ ने बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आज सीएम योगी यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जारी करेंगे लोगो। यूपी में अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। यूपी के देवरिया में पराली जलाने पर 9 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि रोकने का नोटिस। बंगाल में टीएमसी के 2 गुटों में हाथापाई के दौरान पुलिसकर्मी को मारी गोली, गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई में 1000 की रिश्वत के आरोप में अरेस्ट भू राजस्व अधिकारी, 20 साल बाद हाईकोर्ट से बरी। रोजगार मेला में पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सीरिया के ऑपरेशन में 184 आतंकवादी मारे गए, तुर्की ने बताया। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। कोलकाता के सीएम ममता उगली नदी पर गंगा आरती के लिए वाराणसी जैसी बनाएंगी घाट। इंडोनेशिया के भूकंप पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दुख जताया। जल्लीकट्टू खेल के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज शहरा, चाड़स्मा, सिद्धपुर और निकोल में जनसभाएं। ज्ञानमापी में श्रृंगार गौरी केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई।